व्हीकल्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार? गाड़ी रन करेगी आपकी 2 किलोमीटर तक बैटरी पर, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। आप उसे एन मोड पे रखते हैं तो बैटरी ड्राई होने का खतरा है। जो ऑक्स बैटरी है 12 वोल्टेज की, वो ड्रेन हो जाएगी। बैटरी को जंप स्टार्ट करवाना पड़ेगा, तभी आप अपनी कार को स्टार्ट कर सकते हैं। गाइस, डोंट ओवरलोडेड योर व्हीकल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक नॉलेज बूम। गाइस, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ न्यू वीडियो, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी। लेकिन उस न्यू वीडियो से स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको रिफ्लेक्ट होती रहे और आपको हमारा प्यार बना रहे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार? तो हाइब्रिड व्हीकल क्या होता है? तो हाइब्रिड व्हीकल वो होता है जिसमें मोर देन वन पावर सोर्स यूज किया जाए। तो मीन्स जिसमें एक से ज्यादा सोर्स यूज किया जाए, उसे हम हाइब्रिड व्हीकल कहते हैं। सो गाइस, अब बात आती है ड्राइविंग की। तो ड्राइविंग के दौरान आपने जो बातें रिमाइंड में रखनी है, वो मैं आपके बताने जा रहा हूँ। स्टैंडिंग मोड पे जब भी आपकी कार खड़ी हो, चाहे वो पार्किंग हो, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे कोई वो जाम हो, तो जाम में कभी भी आप गाड़ी खड़ाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप अपनी कार का जो लीवर होता है वो आप न्यूट्रल मोड पे रखते हैं या ड्राइव मोड पे रखते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए, उसे आप पार्किंग मोड पे ही रखिए, जिससे क्या होगा कि आपके कार की बैटरी चार्ज होती रहेगी। हाँ, अगर डी मोड का आपने यूज करना है तो मोस्ट प्रोबेबली आपने उस टाइम उसका यूज करना है जब आप ज्यादातर ट्रैफिक में हो, पर इतना उसे यूज मत कीजिए ताकि आपका डी मोड कंटिन्यूअसली रहे ट्रैफिक मोड पे। कार में एक फंक्शन है ड्राइव मोड का, उस ड्राइव मोड को कैसे यूज करना है आपने? उस ड्राइव मोड में 3 ऑप्शन दी गई होती है, स्पोर्ट मोड, नॉर्मल मोड एंड इको मोड। तो इन 3 मोड में से जब भी आप कार ड्राइव कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली नॉर्मल मोड में चलाना चाहते हैं तो नॉर्मल मोड में चला लीजिए, इको मोड में आप चलाते हैं तो इको मोड में मोस्ट प्रोबेबली आपके कार की फ्यूल एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। अगर आप स्पोर्ट मोड में चलाते हो तो वहां पर आपको स्पोर्ट मोड में चलाने के बाद तो वहां पर आपको स्पीड तो मिलेगी लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। हाइब्रिड कार में जो लिथियम बैटरी होती है कार की बूट में, वो 177 वोल्टेज की होती है। जैसे आप कार ड्राइव करते हैं ब्रेकिंग मोड पे, जब आप ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं तो बैटरी ऑटोमेटिकली चार्ज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो अपने नीड के अकॉर्डिंगली, जहां आपको लगे कि ड्राइविंग कंडीशन में आपको ब्रेक की नीड है, तो आप ब्रेक यूज करते रहिए और आपके कार की बैटरी चार्ज होती रहेगी। वो बैटरी HEV बैटरी है, जिसे हम हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक बैटरी भी कहते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि आपके कार के टायर में प्रेशर प्रॉपर हो, ताकि आपको माइलेज से कंप्रोमाइज ना करना पड़े। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कार और ज्यादा अच्छी माइलेज दे, तो जब भी आपकी कार स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होगी बैटरी पर, मीन्स HEV बैटरी पे स्टार्ट होगी, और गाड़ी रन करेगी आपकी 2 किलोमीटर तक बैटरी पर, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। अगर और अच्छी माइलेज चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आपकी कार की स्पीड लोकल में 40 से अंडर रहे। गाइस, इस बात का जरूर ध्यान रखें, जब भी आप कार ड्राइव करें तो कार का जो लीवर होता है, उसे लीवर को आपने एन मोड पे नहीं रखना। अगर आप उसे एन मोड पे रखते हैं तो बैटरी ड्राई होने का खतरा है। गाइस, दूसरी बात यह कि कन्वेंशन व्हीकल की तरह आपने अपने कार का इग्निशन ज्यादा लंबे समय तक ऑन नहीं रखना, इससे आपकी कार की बैटरी डाउन हो जाएगी। मींस जो ऑक्स बैटरी है 12 वोल्टेज की, वो ड्रेन हो जाएगी। गाइस, याद रखिए, अगर आपके कार की हाई वोल्टेज बैटरी जो बूट स्पेस में है, अगर वो चार्ज है, और फ्रंट की जो बैटरी है जो 12 वोल्टेज की है, अगर वो ड्रेन हो जाती है तो आपकी कार स्टार्ट नहीं होगी। आपको वो बैटरी को जंप स्टार्ट करवाना पड़ेगा, तभी आप अपनी कार को स्टार्ट कर सकते हैं। गाइस, डोंट ओवरलोडेड योर व्हीकल। एंड द लास्ट थिंग इज दैट कि आपको अपनी कार में जो टायर होगा वो हायर साइज के नहीं लगाने, ऑलरेडी उसमें 17 इंच के आपको मिलते हैं। गाइस, ज्यादातर एन मोड पर कार रखने पर तो जो नोटिफिकेशन MID डिस्प्ले पर आता है, मींस आपके मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले पर जो नोटिफिकेशन आएगा वो कुछ इस तरह का होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए, आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।